डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर फर्स्ट लेक्चर ऑन कैलकुलस टू इस कोर्स में हम जो बुक फॉलो कर रहे हैं वो है कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री नाइन्थ एडिशन इसके ऑथर्स हैं थॉमस एंड फिनी तो यहाँ पे सबसे पहले हम थोड़ा सा स्टार्ट दे रहे हैं कॉनिक सेक्शन का आई होप आपने कॉनिक सेक्शन को पहले पढ़ा भी होगा तो हम कॉनिक सेक्शन को यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे और फिर इससे रिलेटेड एक असाइनमेंट भी सॉल्व करेंगे तो चैप्टर नंबर नाइन जो है ये हमारा स्टार्टिंग चैप्टर है और इसका टाइटल है कॉनिक सेक्शंस पैरामीटराइज कर्व्स एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स तो हम सबसे पहले यहाँ पे कॉनिक सेक्शन को डिस्कस करते हैं हमारे पास कॉनिक सेक्शन में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं इसमें अगर आप कंसिडर करें थ्री डायमेंशन में एक कोनिक को एक कोन को और साथ साथ आप इज़्यूम करें कि आप उस कोन का इंटरसेक्शन ले रहे हैं एक प्लेन के साथ तो आप वो जो इंटरसेक्शन है वो प्लेन की डिफरेंट इनकलनेशनस के थ्रू ले सकते हैं तो यहाँ पे अगर आप ये फर्स्ट फिगर में देखें तो अगर आपकी जो प्लेन है वो बिल्कुल हॉरीजेंटल है तो उस केस में इस प्लान का जो इंटरसेक्शन होगा कौन के साथ वो एक सर्कल कहलाएगा तो ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है कॉनिक सेक्शन का जिसे हम सर्कल कहते हैं इसी तरह अगर हम इसी प्लान को थोड़ा सा इंक्लाइंट करें तो फिर ये फिगर टू में हमारे पास जो इंटरसेक्शन है ये एलिप्स कहलाता है फिर आप इंक्लिनेशन को थोड़ा सा और बढ़ाएं, तो आपको यहाँ पे थर्ड फिगर में नज़र आ रहा है कि ये जो इंटरसेक्शन प्लेन का और कर्व का है ये एक पैराबोला है इसी तरह अगर हम ये जो प्लेन है इसे बिल्कुल वर्टिकल रख के इस कोन के साथ कट करें तो फिर हमारे पास ये दो शेप्स जो बनती हैं ये मिलके एक हाइपरबोला बनाती हैं तो हमें यहाँ से मैन फोर ऑब्जेक्ट्स कौन एक सेक्शन से मिलते हैं एक सर्कल है दूसरा इलिप्स है तीसरा पैराबोला और चौथा हैप्रोबोला अब हम इन्हें वन बाय वन डिस्कस करेंगे तो हमारा जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो सर्कल है इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह है अ सर्कल इज़ द सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लान हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लान इज कॉन्स्टेंट द फिक्स्ड पॉइंट इज़ सेंटर ऑफ द सर्कल द कॉन्स्टेंट डिस्टेंस इज़ द रेडियस तो सर्कल हमारे पास ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप है जिस पे सारे जो पॉइंट्स मौजूद होंगे वो एक ख़ास डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो डेफिनेशन ये है कि उन सारे पॉइंट्स का एक कांस्टेंट पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल होगा और वो जो कांस्टेंट पॉइंट होगा वो फिक्स्ड होगा ये जो फ़िक्स पॉइंट होता है इसे हम सेंटर ऑफ द सर्कल कहते हैं और जो पॉइंट का और इस फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस होता है इसे हम रेडियस कहते हैं हमारे पास सर्कल की इक्वेशंस कुछ इस तरह हैं कि अगर हम डिफाइन करें सर्कल को सेंटर्ड एट ओरिजिन तो उस केस में हमारे पास सर्कल की जो इक्वेशन होगी वो होगी x पावर टू प्लस वाई पावर टू इक्वल टू ए पावर टू यहाँ पे इस सर्कल का जो सेंटर है वो ज़ीरो ज़ीरो है और इसका जो रेडियस है वो a है इसी तरह अगर हमारे पास सर्कल का रेडियस a हो और उसका सेंटर एक पॉइंट हो h कॉमा के तो उस केस में सर्कल की इक्वेशन होगी x माइनस एच होल पावर टू प्लस वाई माइनस के होल पावर टू इक्वल टू ए पावर टू तो ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशंस हैं इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो दूसरा ऑब्जेक्ट है कौन सेक्शन का वो है पैराबोला तो पैराबोला कुछ इस तरह डिफाइंड है अ सेट दैट कंसिस्ट्स ऑफ आल द पॉइंट्स इन अ प्लेन इक्विडिस्टेंस डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन फिक्स पॉइंट एंड अ गिवन फिक्स्ड लाइन इन द प्लान इज अ पैराबोला द फिक्स पॉइंट इज द फोकस ऑफ द पैराबोला द फिक्स्ड लाइन इज़ द डायरेक्टिक्स तो यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास ज्योमेट्रिकल शेप बन रही है ये पैराबोला कहलाती है ये जो शेप है इस पर इंफानाइटली मनी पॉइंट्स हैं और वो पॉइंट्स एक ख़ास कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं वो कंडीशन ये है कि उन सब पॉइंट्स का डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन से इक्वल होता है तो ये जो फिक्स पॉइंट है इसे हम फोकस कहते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं फोकस क्या है एफ़ जीरो कॉमा पी और पॉइंट है आर्बिट्री पॉइंट हमने लिया पी ऑफ एक्स कॉमा वाई और जो लाइन है इसे हम डायरेक्टिक्स कहते हैं और यहाँ पे लाइन की इक्वेशन है वाई इक्वल टू माइनस पी ये हम एक स्टैंडर्ड पैराबोला को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं यहां पर आप अगर देखें तो इसका जो वर्टिक्स है वो ओरिजिन है इसके बाद अगर हमने इस पैराबोला की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है तो हम क्या करेंगे हम इस डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे कि ये पॉइंट्स जो पैराबोला के पॉइंट्स हैं पी ऑफ एक्स का मोबाइल इनका डिस्टेंस फिक्स पॉइंट एफ से मीन फोकस से और ये जो स्ट्रेट लाइन है डायरेक्टिक्स इससे इक्वल है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉइंट का डिस्टेंस फोकस से किसके इक्वल होगा तो हम यहाँ पे प्लेन के अंदर जिस तरह डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं उसे हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे x माइनस जीरो होल पावर टू मीन्स एक्स माइनस ज़ीरो होल पावर टू प्लस वाई माइनस पी होल पावर टू होल अंडर रूट तो हमने ये डिस्टेंस कैलकुलेट किया पॉइंट का और फोकस का तो ये हमारे पास किसकी इक्वल है एक्स पावर टू प्लस वाई माइनस पी होल पावर टू होल अंडर रूट इसी तरह अगर हम इसी पॉइंट का फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो वो किसके होगा वो हमारे पास है एक्स माइनस एक्स होल पावर टू मीन्स एक्स माइनस एक्स होल पावर टू प्लस वाई माइनस इन टू माइनस पी होल पावर टू दिस इज़ इक्वल टू y प्लस पी होल पावर टू होल अंडर रूट अब चूंकि हमारे पास कंडीशन ये है कि ये दोनों डिस्टेंस एक दूसरे के इक्वल हैं तो हम अगर इन्हें इक्वल लेके कर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास इक्वेशन बनती है एक्स पावर टू इज़ इक्वल टू फोर पी वाई तो ये जो इक्वेशन वन है ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन है और ये ग्राफिकली ऐसे पैराबोला पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है जो ओपन अपवर्ड्स है इसी तरह हमारे पास स्टैंडर्ड पैराबोला के तीन और केसेस भी हैं तो वो मैं यहाँ पे आपको वन बाय वन बता देता हूँ एक है एक्स पावर टू इक्वल टू माइनस फोर पी वाई एक है वाई पावर टू इक्वल टू फोर पी एक्स और एक है वाई पावर टू इक्वल टू माइनस फोर पी एक्स तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो दू, दूसरी आपको ज्योमेट्रिकल शेप नज़र आ रही है ये भी एक पैराबोला है लेकिन इस ये भी स्टैंडर्ड पैराबोला है और इसकी इक्वेशन है एक्स पावर टू तो इक्वल टू तो माइनस फोर पी वाई तो ये वो पैराबोला है जो ओपन्स डाउनवर्ड्स है यहाँ पे टेबल नंबर नाइन पॉइंट वन के अंदर आप देख सकते हैं कि फोर स्टैंडर्ड पैराबोलास की इक्वेशंस भी लिखी गई हैं उनके फोकस डायरेक्टिक्स एक्सेस और साथ ये भी बताया हुआ है कि वो ओपन अपवर्ड्स है डाउनवर्ड्स है टू द राइट है या टू द लेफ्ट है इसके बाद अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं एग्जाम्पल में क्वेश्चन है फाइंड द फोकस एंड डायरेक्टिक्स ऑफ दैराबोला वाइप आउट इक्वल टू टेन एक्स आपने जब भी इस तरह की क्वेश्चन का आंसर देना है तो आपको स्टैंडर्ड पैराबोला के केसेस पता होने चाहिए अब मैं अगर इस इक्वेजन पे गौर करूँ तो यहाँ पे y पावर टू है और इक्वल टू के बाद आपको कोई नेगेटिव साइन नज़र नहीं आ रहा तो मैं इसे कंपेयर कर सकता हूँ स्टैंडर्ड इक्वेजन ऑफ पैराबोला के साथ विच इज़ y पावर टू इक्वल टू फोर पी एक्स तो अगर हम इन दोनों इक्वंस को कंपेयर करें तो हमारे पास फ़ोर पी इक्वल टू टेन है विच मीन्स पी इज़ इक्वल टू फाइव बाई टू नेक्स्ट आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है पावर टू इक्वल टू फोर पी एक्स ये ग्राफिकली किस पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है तो अगर आप इस स्टैंडर्ड केस को स्टडी करें तो ये उस पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है विच ओपन्स टू द राइट और इस पैराबोला का फोकस क्या होता है इसका फोकस होता है एफ पी कामा ज़ीरो तो यहाँ पे हमने इसका फोकस भी बताना है और डायरेक्ट्रिक्स भी और डायरेक्ट्रिक्स की क्वीजन यहाँ पे क्या होगी इस स्टैंडर्ड केस में डायरेक्ट्रिक्स की क्विजन होती है एक्स इक्ल टू माइनस पी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास फोकस है पी कामा ज़ीरो तो पी हमने कैलकुलेट कर लिया इसलिए फाइव बाई टू कॉमा ज़ीरो हमारे पास फोकस है और डायरेक्ट्रिक्स है एक्स इक्वल टू माइनस पी विच मीन्ज एक्स इक्ल टू माइनस फाइव बाई टू तो आपको अगर स्टैंडर्ड केसेस का आइडिया होगा तो फिर आप पार्टिकुलर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ज्योमेटिकल ऑब्जेक्ट है वो है एलिप्स एलिप्स कुछ इस तरह डिफाइंड है एंड एलिप्स इज द सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन हुज डिस्टेंसिज फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स इन द प्लेन हैव अ कॉन्स्टेंट सम द टू फिक्सड पॉइंट्स आर द फोका ऑफ द एलिप्स तो ये डेफिनेशन के अंदर वो कंडीशन है जिसके थ्रू हमें इक्वेशन ऑफ एलिप्स मिलती है तो एक अलिप्स जो है ये पॉइंट्स की कलेक्शन है और इसमें वो सारे पॉइंट्स मौजूद होंगे जिनका डिस्टेंस टू फिक्स्ड पॉइंट से एक कास्ट कॉन्स्टेंट सम की इक्वल हो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज्योमेट्री के अंदर हमारे पास ये जो दो, दो पॉइंट्स हैं F1 और F2 ये फोकाए हैं एलिप्स के और पॉइंट P ऑफ एक्स वाई है जो कि जनरली हमने एलिप्स का पॉइंट दिया तो इस P का डिस्टेंस F1 से और P का डिस्टेंस F2 से ये दोनों डिस्टेंसेस जो हैं अगर ये एक कांस्टेंट सम के इक्वल हों तो फिर हमारे पास वो सारे पॉइंट्स मिलके एक एलिप्स को रिप्रेजेंट करेंगे यहां पे आप नेक्स्ट डेफिनेशन देखें एलिप्स से रिलेटेड द लाइन थ्रू द फोकाय ऑफ एन एलिप्स इज द एलिप्स फोकल एक्सेज द पॉइंट ऑन द एक्सेज हाफ वे बिटवीन द फोकाय इज द सेंटर द पॉइंट्स वेयर द फोकल एक्सेज एंड एलिप्स क्रॉस आर द एलिप्स वर्टिसेस। तो यहाँ पे डेफिनेशन से हमें यह पता चला कि वो लाइन जो दो फोकाए में से पास होके जाती है वो लाइन एलिप्स के फोकल एक्सेस कहलाते हैं और इस लाइन पे जो दो फोकाए मौजूद हैं उन दोनों पॉइंट्स का जो मिड पॉइंट होगा वो सेंटर ऑफ द एलिप्स कहलाता है और अगर हम इसी फोकल एक्सेस को एक्सटेंड करें तो ये जहाँ पे एलिप्सिस को कट करती है वो पॉइंट्स एलिप्स के वर्टिसेस कहलाते हैं तो आप ज्योमेट्री में इन चीज़ों को देख सकते हैं कि हमारे पास एक फोकस ये है दूसरा फोकस ये है इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो सेंटर है और ये जो लाइन है ये फोकल एक्सेस है इस फोकल एक्सेस को हम अगर एक्सटेंड करें तो ये जहाँ पे इन दो एलिप्सिस को कट कर रही है ये इस एलिप्स को जहाँ पे कट कर रही है ये दोनों पॉइंट्स वर्टिसेस हैं इस एलिप्स के इसके बाद आप देख सकते हैं इफ़ द फोकाए आर एफ वन ऑफ माइनस सी कॉमा जीरो एंड एफ टू ऑफ सी कॉमा ज़ीरो एंड पी एफ वन प्लस पी एफ टू इज डिनोटेड बाई टू टाइम्स ए दैन द कोऑर्डीनेट्स ऑफ अ पॉइंट कैपिटल पी ऑन द एलिप्स सेटिसफाई द इक्वन एक्स प्लस सी होल पावर टू प्लस वाई पावर टू होल अंडर रूट प्लस एक्स माइनस सी होल पावर टू प्लस वाई पावर टू होल अंडर रूट इज इक्वल टू टू टाइम्स ए तो आप देख सकते हैं कि जो डिस्टेंसेज का सम है वो एक कॉन्स्टेंट सम के इक्वल है तो हमने अपनी आसानी के लिए इसे ए का नाम दिया ताकि हम एक्सप्रेशन को इक्वेशन ऑफ एलिप्स को कैलकुलेट कर सकें तो मैं यहाँ पे ये आपको बताता हूँ कि हमने एज्यूम किया कि F1 और F2 हमारे पास दो फोकाए हैं F1 के के जो ऑर्डिनेट्स हैं वो हैं माइनस सी कॉमा ज़ीरो और F2 के ऑर्डिनेट्स हैं सी कामा ज़ीरो और P हमारा जो पॉइंट है वो आर्बिट्री पॉइंट है P ऑफ एक्स कामा वाई तो अगर हम पी और एफ़ वन का डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो वो क्या होगा वो एक्स इं टू एक्स माइनस इन टू माइनस सी मीन्स एक्स प्लस सी होल पावर टू प्लस वाई माइनस जीरो होल पावर टू होल एंड रूट होगा जो कि आप यहाँ पर ये डिस्टेंस देख सकते हैं इसी तरह पी और एफ़ टू का जो डिस्टेंस है वो होगा एक्स माइनस सी होल पावर टू प्लस वाई माइनस जीरो होल पावर टू होल एंड रूट ये जो दूसरा डिस्टेंस आपके सामने है और इन दोनों का जो सम है वो एक कांस्टेंट सम के इक्वल है ये हमने थ्रू द डेफिनेशन ऑफ एलिप्स एज्यूम किया है अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास इक्वेशन टू बन जाती है विच इज एक्स पावर टू डिवाइड बाय ए पावर टू प्लस वाई पावर टू डिवाइड बाय ए पावर टू माइनस सी पावर टू इक्वल टू वन यहां पे अगर हम ए पावर टू माइनस सी पावर टू को इक्वल टू बी पावर टू रखें तो इक्वेशन की फॉर्म बन जाएगी एक्स पावर टू डिवाइड बाय ए पावर टू प्लस वाई पावर टू डिवाइड बाय बी पावर टू इक्वल टू वन जो कि इक्वेशन फोर की फॉर्म में लिखी जा सकती है ये जो इक्वेशन है इसे हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स कहते हैं हुज मेजर एक्सेज आर एक्स एक्सेस यहां पे याद रखें कि ए बी और सी का आपस में एक रिलेशन है वो रिलेशन ये है कि बी पावर टू इज इक्वल टू ए पावर टू माइनस सी पावर टू दिस मीन्स ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी सो इन द केस ऑफ एलिप्स ए इज ग्रेटर देन बी क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है बी पावर टू इक्वल टू ए पावर टू माइनस सी पावर टू तो इसका मतलब ये है कि ए पावर टू में से जब हम कुछ सब्ट करेंगे तो तब हमें बी पावर टू मिलेगा दैट मीन्स B इज़ लेस than a, तो हमेशा याद रखें कि एलिप्स के केस में B a से छोटा होता है तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड केस है एलिप्स का जिसमें मेजर एक्सेस एक्स एक्सेस है। इसी तरह अगर हमारे पास एलिप्स के केस में मेजर एक्सिस y एक्सेस हो, तो फिर y पावर टू डिवाइड बाई ए पावर टू प्लस एक्स पावर टू डिवाइड बाई बी पावर टू इक्वल टू वन होगा मीन्स पहचान ये है कि जिस वेरिएबल के नीचे ए पावर टू होगा उसके करस्पॉन्डिंग बनने वाला इलिप्स जो है उसके मेजर एक्सेस उसी वेरिएबल से डिफाइन होंगे जिस तरह यहाँ पे एक्स के नीचे ए पावर टू था तो इसकी मेजर एक्सेस एक्स एक्सेस थे अगर वाई पावर टू के नीचे ए पावर टू हो तो फिर मेजर एक्सेस वाई एक्सेस होंगे आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी अब हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं एग्ज़ाम्पल नंबर टू में है मेजर एक्सेज हॉरिजेंटल द इलिप्स एक्स पावर टू डिवाइड बाई सिक्सटीन प्लस वाई पावर टू डिवाइड बाई नाइन इज इक्वल टू वन तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी सिक्सटीन है तो ये ए पावर टू के इक्वल है और छोटी क्वांटिटी नाइन है तो ये बी पावर टू के इक्वल है यहाँ पे अगर हम देखें तो ए की वैल्यू किस तरह कंप्यूट करेंगे ए पावर टू इक्वल टू सिक्सटीन मीन्स ए इज इक्वल टू फोर और सिमिलरली बी पावर टू इक्वल टू नाइन मीन्स बी इज इक्वल टू थ्री अब हमने अगर यहाँ से सी को कैलकुलेट करना है तो सी इक्वल होगा सी पावर टू इज़ इक्वल टू ए पावर टू माइनस बी पावर टू विच मीन्स सी इज इक्वल टू अंडर रूट सेवन

सेंटर जो है ये फोकाई का मिड पॉइंट होता है तो अगर हम इन फोकाई का मिड पॉइंट कैलकुलेट करें तो वो ज़ीरो ज़ीरो आएगा तो अगर आपको स्टैंडर्ड केस का पता होगा और उससे रिलेटेड उससे एसोसिएटेड फोकाई वर्टिसेस और ए बी सी का रिलेशन पता होगा तो आप आसानी से ये सारी क्वांटिटीज कैलकुलेट कर सकते हैं इसके बाद ये जो थर्ड एग्जांपल है इसमें मेजर एक्सेज वर्टिकल हैं मीन्स मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के लॉन्ग है सो इक्वेशन ऑफ इलिप्स एक्स पावर टू बाई नाइन प्लस वाई पावर टू बाई सिक्सटीन इक्वल टू वन तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बड़ी क्वांटिटी को ए पावर टू के इक्वल लेंगे मीन्स सिक्सटीन इज इक्वल टू ए पावर टू विच मीन्स ए इज इक्वल टू फोर सिमिलरली बी वेल बी इक्वल टू थ्री यहाँ पर इक्वेजन देखने से हमें आइडिया हो गया कि मेजर एक्सेज वर्टिकल एक्सेस हैं सो इस केस में फ़ोकाए क्या होंगे वो अब प्लस माइनस सी का जीरो नहीं होंगे बल्कि जीरो काम प्लस माइनस सी होंगे क्योंकि ये लाए कर रहे हैं अब वाई एक्सेस के ऊपर तो वहाँ पे एक्स ज़ीरो होता है तो अगर हम सी को कैलकुलेट करें तो वो है प्लस माइनस अंडरूट सेवन इसलिए हमारे पास फ़ोकाए आ जाएंगे जीरो कामा प्लस माइनस अंडरूट सेवन इसी तरह हम वर्टिसेस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं और वर्टिसेस क्या होंगे जीरो का प्लस माइनस फोर और सेंटर अगेन मिड पॉइंट ऑफ फोकाए और मिड पॉइंट ऑफ वर्टिसेस है सो सेंटर भी ज़ीरो ज़ीरो होगा तो ये हमारे पास एलिप से रिलेटेड केस था इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है वो हाइप्रोबोला है हाइप्रोबोला है। की डेफिनेशन कुछ इस तरह है अप्रोबोला इज द सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन हुज डिस्टेंसिज़ फ्राम टू फिक्स पॉइंट्स इन द प्लान हैव अ कॉन्स्टेंट डिफ्रेंस द टू फिक्स पॉइंट आर द फोका ऑफ द हाइप्रोबोला तो अगेन जिस तरह एलिप्स को हमने स्टडी किया बिल्कुल उसी तरह हाइप्रोबोला पर भी एक सर्टन कंडीशन इम्पोज़ की हुई है जिसकी वजह से हमें ये पार्टिकुलर शेप मिलती है वो कंडीशन ये है कि हाइप्रोबोला भी पॉइंट्स की क्लेक्शन है लेकिन इस पर वो पॉइंट्स लाए करेंगे जिनका डिस्टेंस दो फिक्स पॉइंट्स फोकाई से अगर हम कैलकुलेट करके उनका डिफरेंस लें तो वो कांस्टेंट हो अगर ऐसा पॉइंट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो इस हाइपरबोला पे लाई करेगा तो ये दो जो फिक्स पॉइंट्स हैं यानी हम फोकाई कहते हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ज्योमेट्री में एक फोकस है एफ वन एट माइनस सी काम ज़ीरो और दूसरा है एफ टू एट सी कामा ज़ीरो और यहाँ पर हमने हाइपरबोला का आर्बिट्री पॉइंट लिया है पी ऑफ एक्स कामा वाई अगर आप देखें तो हम यहाँ पर कहा जा रहा है द फोकाई आर एफ वन एट माइनस सी कामा जीरो एंड एफ़ टू एट सी कामा जीरो इन द फिगर नाइन पॉइंट वन जीरो

नेक्स्ट हमारे पास जो डिस्टेंस है वो है x माइनस सी होल पावर टू प्लस वाई माइनस जीरो होल पावर टू होल अंडर रूट तो ये हमारे पास सेकेंड डिस्टेंस आ गया इनका जो डिफरेंस है हमने क्या कहा हमने एज्यूम किया दिस इज़ इक्वल टू टू, टू टाइम्स ए अगर हम इसे सिम्प्लीफाई करें रेडिकल्स को यहाँ से ख़त्म करें तो हमारे पास इक्वेशन की फॉर्म आ जाती है इक्वेशन नंबर एट एक्स पावर टू डिवाइड बाय ए पावर टू प्लस वाई पावर टू डिवाइड बाई ए पावर टू माइनस सी पावर टू इक्वल टू वन यहाँ पे हमारे पास ये जो फॉर्म बनी है इसमें नेक्स्ट uh, हम देखते हैं सो फार दिस लुक्स जस्ट लाइक द इक्वेशन फॉर एन इलिप्स बट नाउ ए पावर टू माइनस सी पावर टू इज नेगेटिव बिकॉज टू ए बींग द डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल पी एफ वन एफ टू इज लेस देन टू टाइम्स सी द थर्ड साइड यहाँ पे अगर आप ट्राइंगर इनवालिटी को एज्यूम करें तो आप इस बात को समझ लेंगे कि के ट्राइंगल के केस में दो साइड्स का जो सम होता है वो हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होता है तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास ए पावर टू माइनस सी पावर टू लेस देन ज़ीरो होगा द अल्जब्राइक स्टेप

तो अगर हम ए पे रिस्ट्रिक्शन रखें कि ए इज़ ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन सी तो जो पॉइंट्स इक्वेशन एट को सेटिस्फाई करेंगे इस रिस्ट्रिक्शन के साथ तो वो इक्वेशन सेवन को भी सेटिस्फाई करेंगे अ पॉइंट देर फॉर लाइज ऑन हाइपरबोला इफ़ एंड ओनलीट्स सेटिस्फाई इक्वेशन एट तो हमारे पास एक वही पॉइंट्स करेंगे x y, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे क्या किया हमें चूंकि यहां से आइडिया हो गया था कि a पावर टू माइनस सी पावर टू नेगेटिव है तो हमने सी पावर टू माइनस ए पावर टू को इक्वल टू b पावर टू रखा जिससे हमारे पास b की वैल्यू क्या आ गई c पावर टू माइनस ए पावर टू होल अंडर रूट देन a पावर टू माइनस सी पावर टू वेल बी इक्वल टू माइनस बी पावर टू दैट मीन्स c पावर टू इज इक्वल टू ए पावर टू प्लस बी पावर टू तो अगर हम इस फैक्ट को यूज करें तो हम इक्वेशन एट में इसे यूज कर सकते हैं ए पावर टू माइनस सी पावर टू की जगह माइनस बी पावर टू रिप्लेस करें तो इक्वेशन एट की फॉर्म बन जाएगी एक्स पावर टू डिवाइड बाई ए पावर टू माइनस वाई पावर टू डिवाइड बाई बी पावर टू इक्वल टू वन तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड हाइपरबोला की इक्वेशन है जिसके जो कांजुगेट एक्सेस हैं वो एक्स एक्सेस हैं द डिफरेंस बिटवीन equation 10 एंड द equation फॉर एन एलिप्स equation 4 आर द माइनस साइन एंड द न्यू relation c पावर 2 इक्वल टू a पावर 2 प्लस b पावर 2 तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमने दो तरह के differences ऑब्जर्व किए हैं एलिप्स और hyperbola की cases में एक तो equation में difference है कि यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहे हैं और दूसरा डिफरेंस a b c का जो रिलेशन है कि वहाँ पे था a पावर 2 इक्वल टू सी पावर टू इक्वल टू ए पावर टू माइनस बी पावर टू जबकि यहाँ पर रिलेशन है सी पावर टू इक्वल टू ए पावर टू प्लस बी पावर टू वहाँ पर नेगेटिव साइन था लिप्स के केस में यहाँ पर पॉजिटिव साइन है ए बी और सी के रिलेशन में इसके बाद हमारे पास जो डेफिनेशन है वह है द लाइन थ्रू द फोकाई ऑफ अप्रोबोला इज द फोकल एक्सिस द पॉइंट ऑन द एक्सेज हाफ वे बिटवीन द फोकाई इज़ द हाइप्रोबोला सेंटर द पॉइंट्स वेयर द फोकाय द फोकल एक्सेज एंड हाइप्रोबोला क्रॉस आर द वर्ट इज इज तो जिस तरह हमने एलिप्स के केस में देखा था बिल्कुल उसी तरह हाइप्रोबोला हाइप्रोबोला के केस में भी वो लाइन जो फोकाए से पास हो कि जाती है उसे हम फोकल एक्सेस ऑफ द हाइप्रोबोला कहते हैं यहाँ पे जो इस लाइन पे फोकाए के मिड पॉइंट को हम सेंटर ऑफ द हाइपरबोला कहते हैं और ये लाइन जहाँ पे हाइपरबोला को कट करती है वो पॉइंट्स हाइपरबोला के वर्टिसेस कहलाते हैं तो आप देख सकते हैं ज्योमेट्री में ये दो वर्टिसेस हैं ये लाइन हमारे पास फोकल एक्सेस है इस लाइन के ऊपर ही फोकाए मौजूद होते हैं और इन दो फोकाए का जो मिड पॉइंट है वो सेंटर के लाता है इसके बाद नेक्स्ट आइडिया है आइजम टोर्स ऑफ हाइपोबोलास। तो आइजम टोर्ड क्या होते हैं आइजम टोर्ड्स आर द स्ट्रेट लाइंस विच गो एलोंग द हाइपोबोला अप टू इंफिनिटी बट नेवर इंटरसेक्ट विद द हाइपोबोला। तो के केस में आपने जिस तरह यहां पे जुविची देखी है यहां पे आप देख सकते हैं इमेजिन करें तो इस तरह लाइन जा रही हो यहाँ से इस सेंटर से पास करती हुई और एक लाइन यहाँ से इस तरह आ रही हो सेंटर से पास करती हुई एलोंग द हाइप्रोबोला तो ये दोनों लाइंस हाइप्रोबोला के साथ साथ चलती जाएंगी लेकिन उसे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इन लाइंस को हम आइज़म टोर्स ऑफ द हाइप्रोबोला कहते हैं यहाँ पे अब हम देखेंगे कि आइजम टोर्स को हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास हाइपरबोला की इक्वेशन हो एक्स पावर टू बाई ए पावर टू माइनस वाई पावर टू बाई बी पावर टू इक्वल टू वन तो हमारे पास इस हाइपरबोला के दो आइजम टोर्स हैं बोथ आर स्ट्रेट लाइंस और वो हैं y इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ए इंटू एक्स ये हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं इसका शॉर्टकट ये है कि आप हाइपरबोला की इक्वेशन में वन को रिप्लेस कर दें जीरो के साथ और y इन टर्म्स ऑफ x कैलकुलेट कर लें तो हमें जो इक्वेशन मिलेंगी वो आइजम टोर्स ऑफ द हाइपरबोला होंगी तो आप देख सकते हैं जिस तरह ये इक्वेशन है तो आपने वन की जगह जीरो रिप्लेस किया और वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स सॉल्व किया तो हमें यही वाई इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ए इन टू एक्स मिल गया तो ये हमारे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हैं और ये रिक्वायर्ड आइजम हैं इसके बाद हमारे पास कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं एग्जाम्पल नंबर फोर है फोकाय ऑन द एक्स एक्सिस तो ये हमारे पास हाइपरबोला का केस है जिसमें Uh, हमारे फोकाए एक्स एक्सेस पे हैं मीन्स कॉन्जुगेट एक्सेज इज ऑन द एक्स एक्सेस यहाँ पे इक्वेशन देखें एक्स पावर टू डिवाइड बाई फोर माइनस वाई पावर टू डिड बाई फाइव इक्वल टू वन तोन को देखते हुए कैसे पता चलेगा कि इस हाइपरबोला का जो कॉन्जुगेट एक्सेस है वो एक्स एक्सेस है या वाई एक्सेस है तो यहाँ पे इस बात से पता नहीं चलेगा कि डिनोमिनेटर में बड़ी क्वांटिटी किसके नीचे है बल्कि आपने ये देखना है कि पॉजिटिव साइन किस वेरिएबल के साथ है यहाँ पे पॉजिटिव साइन एक्स एक्सेस के साथ आपको एक्स वेरिएबल के साथ आपको नज़र आ रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि इस हाइपरबोला के जो कांजुगेट एक्सेस होंगे वो एक्स एक्सेस होंगे तो यहाँ पे अगर आप देखें हमारे पास अगर एक्स एक्सेस कॉन्ज़ुगेट एक्सेस हैं तो उसके नीचे जो क्वांटिटी होगी उसे हम ए पावर टू के इक्वल लेते हैं तो ए पावर टू इक्वल टू फोर बी पावर टू इक्वल टू फाइव सो द सेंटर वेल बी फॉर द सेंटर सी इज़ इक्वल टू ए पावर टू प्लस बी पावर टू होल अंडर रुट विच इज इक्वल टू थ्री फोकाय आर प्लस माइनस सी का जीरो विच इज प्लस माइनस थ्री का ज़ीरो वर्ट इज आर प्लस माइनस ए जीरो विच आर प्लस माइनस टू ज़ीरो सेंटर इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द फोकाई विच इज़ जीरो जीरो सो आई जम ट्स इन दिस केस वेल बी वाई इक्वल टू प्लस माइनस अंडरूट फाइव डिवाइड बाई टू इन टू एक्स तो अगर आपको स्टैंडर्ड केस में पॉइंट्स की लोकेशन का पता हो तो आप आसानी से हर क्वान्टिटी कैलकुलेट कर सकते हैं इसके बाद एग्जाम्पल फाइव है फोकाए ऑन द वाई एक्स तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइपरबोला की इक्वेशन में वाई पावर टू डिवाइड बाई फोर माइनस एक्स पावर टू डिवाइड बाई फाइव इक्वल टू वन है पॉजिटिव साइन वाई के साथ है तो इसलिए कॉन्जुकेट एक्सेज वाई एक्सेज हैं केस में हमारे पास ए पावर टू फोर के इक्वल होगा बी पावर टू फाइव के इक्वल होगा तो यहाँ से सी की वैल्यू अगेन थ्री आएगी लेकिन अब फोकाई क्या होंगे वो अब वाई एक्सेज पे हैं तो इसलिए जीरो कामा प्लस माइनस सी वेल बी इक्वल टू जीरो कामा प्लस माइनस थ्री वर्ट इज इज वेल बी जीरो कामा प्लस माइनस ए विच आर जीरो कामा प्लस माइनस टू सेंटर इज द मेट पॉइंट ऑफ फोक आई विच इज जीरो जीरो आइजम टोअर्स कैन बी सॉल्व फ्राम दिस इक्वेन सो द आइजम टोअर्स आर वाई इक्वल टू प्लस माइनस टू बाईन रूट फाइव इन टू एक्स तो ये हमारे पास आइडिया है हर पे बोला कि कैल्कुलेशन का तो आप ज्योमिट्री में इन क्वान्टिटीज को देख सकते हैं कि अगर हमारे पास कांजुगेट एक्सेस वाई एक्सेस के लॉन्ग हो, तो ये इस हाइपरबोला की शेप थी और ये जो दो लाइंस हैं जो सेंटर से पास कर रही हैं एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं ये लाइंस आइज़म टोर्ड्स हैं इस हाइपरबोला के